तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में शनिवार को फेरबदल किया गया। सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि रविवार को राजभवन में नई शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्य सरकार ने राज्यपाल रवि से युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि को डिप्टी सीएम नॉमिनेट करने की सिफारिश थी। साथ ही उनके मौजूदा विभागों के अलावा योजना और विकास विभाग आवंटित करने का भी कहा गया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के दो दिन बाद वी सेंथिल बालाजी की मंत्रिपरिषद में वापसी हुई है। उनके अलावा डॉक्टर गोवी चेजियन, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को कैबिनेट में शामिल किया गया है।